आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्केन का नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी सिस्टम ने जो रूल्स दिए उसके तहत किसी भी हाइड्रोकार्बन को जो नाम दिया जाता है, इस मेथड को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में अगर आपने उसको आईयूपीएसी सिस्टम के तहत नाम देना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक आप उसको नाम देना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करें, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आप सिलेक्ट करें। जो आपको हाइड्रोकार्बन्स दिए गए हैं, आपने क्या करना है, उनमें वो चेन सिलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट हो। जिस तरह देखें यहाँ पर, ये आपके पास एक अल्केन है, यहाँ पर ये दूसरा और ये तीसरा अल्केन, तो इन सब में देखें आप कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है। ये जो यहाँ पर रेड कलर में यहाँ पे जो लिखे गए हैं, ये साइड चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं, साइड ग्रुप इनको कहा जाता है। तो इनमें देखें, यहाँ से अगर आप नंबरिंग शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें देखें जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 6 कार्बन है। अगर ये लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तब भी देखें यहाँ पर 6 कार्बन वाली आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आती है। इस तरह नीचे आ जाएँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें एक चेन वो है जिसमें ये 6 कार्बन लगे हुए हैं। इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी है, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देखिए अब यहाँ पे इस चेन में अगर नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे देखें 7 आपके पास ये वाली चेन में कार्बन्स के एटम्स की तादाद आ गई, और ये वाला फिर क्या लगा होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगा होगा यहाँ पे। अब नीचे आ जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यहाँ पे एक चेन ये वाली है जिसमें 6 कार्बन के एटम्स हैं। दूसरी देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक चेन ये वाली, इसमें भी 6 कार्बन के एटम्स हैं, तो ये भी 6 कार्बन वाली, ये भी 6 कार्बन वाली, यानी कि अगर आप ये वाली चेन लेते हैं ये वाली, तो इसमें भी कार्बन के 6 एटम हैं, और अगर आप दूसरी चेन लेते हैं ये सीधी वाली, तो इसमें भी कार्बन के 6 एटम है। अगर आप ये वाली चेन लेते हैं, इसमें भी कार्बन के 6 एटम है, तो आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों। तो यहाँ पे देखें, अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं जिसको मैंने ये ग्रीन के साथ यहाँ पर सर्कल किया है, तो इसमें देखें एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये वाला है, एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये वाला है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। और अगर आप ये वाली जो इसको आपने ब्लू कलर के साथ यहाँ पे हाईलाइट किया, आप ये वाली चेन सेलेक्ट करें, तो इसमें भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो जो मर्जी आप ले लें। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि आपने वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएँ अब ऊपर वाले यहाँ पर कंपाउंड में, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन है इस चेन में, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आ जाएँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस चेन में 7 कार्बन है, तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस कार्बन में 6, इस चेन में यहाँ पे 6 कार्बन है, तो लिहाजा हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, आपने वो वाली चेन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको नंबर देना है, नंबरिंग जो है आपने उस एंड से करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, क्लोज हो, यानी कि लोअर नंबर गेन करें। फर्स किया अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, तो देखें 5वें नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। हमने इधर से अब नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी, इस पोजीशन से आपने नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी, आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं ये लोअर नंबर गेन करें। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखें यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स लोअर नंबर गेन कर रहे हैं, तो आपने उस किनारे से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हो वो लोअर नंबर गेन करे। इसी तरह यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ये 6 कार्बन वाली है चेन, हम ये सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके मुतबादल एक और चेन यहाँ पे पड़ी हुई है जिसके पास 7 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम वो वाली चेन लेंगे जिसके पास 7 कार्बन हो। तो 7 कार्बन वाली चेन कौन सी है, ये वाली है, ये वन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे या इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ से जब आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये वाला जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स पड़ा हुआ है ये लोअर नंबर गेन करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो देखें ये तीसरी पोजीशन पे आता है सब्स्टिट्यूएंट्स। इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये एक दो तीन चार पाँचवीं पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा। तो आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो लोअर नंबर गेन करें। इसी तरह नीचे आ जाएं यहाँ पे, तो नीचे हम कोई भी चेन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सबके अंदर कार्बन के एटम्स की तादाद जो है वो क्या है, बराबर है। तो आसानी के लिए हम यही करते हैं, ये वाली चेन एक दो तीन चार पाँच छः ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये यहाँ पे देखें। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये जो मिथाइल लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट्स ये दूसरी पोजीशन पे आता है। इधर से स्टार्ट करें तो ये जो इथाइल ग्रुप है ये तीसरी पोजीशन पे आता है, 1 2 3। तो लोअर नंबर कौन गेन कर रहा है, मिथाइल। अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो आप इधर से स्टार्ट करें जहाँ से ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो लोअर नंबर जो है वो गेन करें, वहाँ से आपने नंबरिंग इसकी स्टार्ट करनी है। तो नेक्स्ट काम हमारा क्या है, जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, एक ये वाला इथाइल और दूसरा ये वाला मिथाइल। तो आपने इनको क्या करना है, आपने इनकी पोजीशन बतानी है नंबरिंग के लिहाज से कि ये देखें ये मिथाइल यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे है, ये देखें यहाँ पे ये मिथाइल यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे है, तीसरी कार्बन के साथ लगा हुआ है। जब आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो ये तीसरी कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। अब इधर से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये देखें मिथाइल दूसरी पोजीशन पे और इथाइल किस पोजीशन पे है, चौथी पोजीशन पे है। तो आपने नेक्स्ट काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग करनी है वहाँ से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स लोअर नंबर गेन करें। तीसरा जो काम आपने करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन आपने इंडिकेट करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे लगे हुए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देने हैं अल्फ़ाबेटिकली। अब अल्फ़ाबेटिकली से क्या मुराद होता है, यहाँ पे देखें इस कंपाउंड में ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, इसको इथाइल कहते हैं, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स है इसको मिथाइल कहते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकली देखें, इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है। अब अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है या एम पहले आता है, ई पहले आता है, तो हम इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। अब हम इसके नाम की तरफ जाते हैं, ये एक दो तीन चार पाँच छः कार्बन थी, तो छः कार्बन वाले को आप क्या नाम देते हैं, हेक्सेन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, हेक्सेन। किस पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे। ये मिथाइल जिसको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं ये दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या सब्स्टिट्यूएंट्स का, मिथाइल। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2- आगे मिथाइल हेक्सेन, 2-methylhexane। तो यहाँ पे देखें ये नंबर और दूसरा देखें यहाँ पे एक डिजिट है एक वर्ड है, इन दोनों के दरमियान में आपने हाइफन लगाना है। डिजिट और वर्ड के दरमियान में क्या लगाना है, हाइफन। और जो वर्ड स्टार्ट से जहाँ से आप शुरू करेंगे उसका पहला जो हर्फ होता है ये वाला, जिस तरह यहाँ पे मिथाइल का एम क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, एम को आपने क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2-methylhexane, मतलब दूसरी पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। हेक्सेन जो यहाँ पे है ये पैरेंट चेन को जाहिर करता है, पैरेंट चेन से मुराद लॉन्गेस्ट चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसका नाम एंड पे लिखेंगे। तो ये देखें 2-methylhexane। इसी तरह यहाँ पे आ जाए, नीचे वाले का नाम कैसे बनेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, तो पैरेंट चेन आपकी क्या हो गई, 7 कार्बन वाली। तो 7 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। तो ये हेप्टेन लिखें, सबसे पहले हेप्टेन लिख लिया। उसके बाद इसका सब्स्टिट्यूएंट्स देखें किस पोजीशन पे है, तीसरी पोजीशन पे, ये तीसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है। सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद जो आपने नंबर यहाँ पे लगाया उसके बाद आपने हाइफन लगा देना है सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन के बाद। आगे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है जी, मिथाइल, 3-methyl क्या आ जाएगा जी, ये हेप्टेन। इस तरह नीचे आ जाएं, यहाँ पे ज़रा इसको गौर से देखें इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब ये लॉन्गेस्ट चेन कौन सी थी, 6 कार्बन वाली, तो 6 कार्बन वाली को हम क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। अब इसकी आप पोजीशन की बात करें सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक मिथाइल है दूसरा इथाइल है, एक मिथाइल दूसरा कौन सा है, इथाइल। तो आप अल्फ़ाबेटिकली आप किसको पहले लिखेंगे, जो पहले आ रहा है वर्ड, इथाइल ई से स्टार्ट होता है तो ये पहले आता है, इसको पहले लिखेंगे। मिथाइल एम जो है एम से स्टार्ट होता है, एम ई के बाद आता है, तो इसको आप बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम कैसे बन गया, इसका नाम अब देखें इथाइल किस पोजीशन पे है, चौथी पोजीशन पे। तो यहाँ पे लिखें 4-methyl का ई बड़ा,
इसके बाद फिर हाइफन, मिथाइल किस पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे 2 लगाएं, उसके बाद इसका नाम लिखें मिथाइल, ये मिथाइल। अब देखें यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, ये मिथाइल जो यहाँ पे बाद में लिखेंगे इसका आपको, आपने इसको स्मॉल हर्फ से लिखना है यहाँ, ये मिथाइल का ई बड़ा, मिथाइल का एम क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, इसका क्या हो जाएगा जी, नाम बन जाएगा इस कंपाउंड का, कि चौथी पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, और पैरेंट चेन कौन सी है, हेक्सेन है। तो यहाँ तक जो हमने यहाँ पे अभी तक इसको डिस्कस किया बहुत आसान था ये वाला, कि जब आपने किसी भी हाइड्रोकार्बन्स को, खासतौर पे अल्केन को नाम देना है, तो आप सबसे पहले क्या करें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, उसके बाद आप लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये वो सब्स्टिट्यूएंट्स लोअर नंबर गेन करें, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को इंडिकेट करना है, जिस तरह यहाँ पे देखें ये दूसरी पोजीशन पे है, यहाँ पे देखें ये तीसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स चौथी पोजीशन पे, और ये किस पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे है, ये अपने नंबर आपने सब्स्टिट्यूएंट्स के बताने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम देना है अकॉर्डिंगली टू अल्फाबेटिकली आर्डर, जो है अल्फाबेटिकल आर्डर के मुताबिक आपने इनको नाम देने हैं, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। इसी तरह और देखें हमारे पास कंपाउंड्स हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं तो बाकी जो इसके रूल हैं वो उसमें आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर देखें, अब इसमें जो नोमेनक्लेचर होता है ये दो तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, या तो आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, स्ट्रक्चर दे के आपको कहेंगे कि इसका नाम बताएं, या आपको नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखें। अब एक कंपाउंड है, फर्स्ट किया मैं कहता हूँ ये आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2, ये CH3, यहाँ पे CH2, ये CH3 है, नेक्स्ट हमारे पास CH2, ये CH2, आगे CH3 आ गया, ये एक कंपाउंड है हमारे पास। अब आपने इसको नाम देना है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसकी लॉन्गेस्ट चेन जो है ना वो सिलेक्ट करें, और वो सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हों। अब देखें एक तो सामने जो पड़ी हुई है 1 2 3 4 5 6, आप अगर ये वाली सिलेक्ट करते हैं तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आपको मिलते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये वाली बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी बन सकती है, दूसरी देखें 1 2 3 4 5 6, ये भी तो बन सकती है ना, ये वाली पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है यहाँ पे, ये भी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे, क्योंकि पहले वाली में आपने 6 कार्बन गिने, इसमें भी 6 कार्बन है, तो और क्या बन सकती है, और यहाँ पे एक और भी है, ये देखो यहाँ पे नज़र आ रही है यहाँ पे, ये वाली चेन, इसमें देखो 4 कार्बन है, तो ये वाली तो आप सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये लॉन्गेस्ट नहीं है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 2 है, एक तो जो सामने पड़ी हुई है और एक जो दूसरी है यहाँ पे, जिसको आपने रेड के साथ सर्कल किया हुआ, एक ये वाली और एक जिसको आपने ब्लैक के साथ सर्कल कर दिया। तो आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हों। तो देखें जब आप ये वाली सिलेक्ट करते हैं जिसको आपने रेड के साथ यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और जिसको आपने ब्लैक के साथ किया हुआ है सर्कल, उसमें भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो मर्जी आप सिलेक्ट कर लें, मैं यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला ब्लैक वाला, जिसको आपने ब्लैक के साथ क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला। तो इसमें देखें यहाँ पे क्या होगा, अब सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लोअर नंबर गेन करें। इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करें तो देखें ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ये तीसरी पोजीशन पर आ रहे हैं, इधर से करें तो ये चौथी पोजीशन पर आ रहे हैं, आप इधर से करें 1 2 3 4 5 6। अब इसके पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई, उसके बाद आपने ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं इसकी पोजीशन इंडिकेट करनी है नंबर से। तीसरा काम आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स को आपने नेम देने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें ये कितनी कार्बन है, ये लॉन्गेस्ट चेन में 6 हैं, तो 6 कार्बन वाले को आप क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं, तो हेक्सेन यहाँ पे लिखें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन देखनी है और सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम देखने हैं कौन कौन से हैं, एक मिथाइल है दूसरा इथाइल है, तो मिथाइल पहले आता है या इथाइल पहले आता है, इथाइल पहले आता है, इथाइल किस पोजीशन पे है, तीसरी पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिख दें 3 इथाइल 3 इथाइल, उसके बाद फिर हाइफन, तीसरी ही पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल 3 मिथाइल, क्या बन गया ये, हेक्सेन, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, मिथाइल का एम छोटा लिखेंगे, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। एक वर्ड जो होता है और जो डिजिट होता है उनके दरमियान में हमेशा क्या लगाया जाता है, हाइफन, ये आपने याद रखना है।
तो ये एक कंपाउंड था, उसका नाम आपने इस तरह दे दिया। एक और देखिए कंपाउंड, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, फर्स्ट किया ये CH3 है, ये C है, ये CH3 है, इसी तरह यहाँ पे देखें CH3 है, ये C है, CH3 है, ये CH3 है। अब यहाँ पे देखिए एक और रूल का आपको पता चलेगा, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे आ जाएं लेकिन एक से ज़्यादा हों, जिस तरह यहाँ पे देखें ये लॉन्गेस्ट चेन ये वाली थी, ये दरमियान वाली 1, 2, 3, 4 कार्बन वाली, लेकिन इसके ऊपर देखिए 4 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं और सारे एक जैसे हैं, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स 2 हों एक जैसे हों तो उसके लिए डाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स 3 हों एक जैसे हों एक ही तरह के हों उसके लिए ट्राई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, 4 हों जिस तरह इस कंडीशन में मिथाइल 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 4 हैं तो 4 के लिए टेट्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें देखें यहाँ पे ये कंपाउंड, इसमें अब ये देखें दूसरी पोजीशन पे मिथाइल 2 दफ़ा लगा हुआ है, तीसरी पोजीशन पे भी मिथाइल 2 दफ़ा लगा हुआ है। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि एक कार्बन पे आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद एक से ज़्यादा हो, जिस तरह यहाँ पे देखें ये मिथाइल, यहाँ पे फिर ये मिथाइल, तो इसमें देखें आपने ये वाला जो नंबर 2 है इसको आपने 2 दफ़ा लिख देना है, 2 2, यानी कि उस नंबर को आपने रिपीट कर देना है। इस तरह देखें तीसरी पोजीशन पे भी देखें, तीसरी पोजीशन पे आइडेंटिकल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए हैं, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो 3 को भी आपने 2 दफ़ा लिख देना है, 3 3। इन सबके दरमियान में आपने क्या लगा देने हैं, कोमास लगा देने हैं। उसके बाद जब सब्स्टिट्यूएंट्स आइडेंटिकल हों एक से ज़्यादा हों तो उसके लिए आप डाई ट्राई और इसी तरह टेट्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आइडेंटिकल हैं, 2 हैं एक जैसे हैं तो डाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, 3 हैं तीनों एक जैसे हैं तो ट्राई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, 4 हैं चारों एक जैसे हैं तो टेट्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें चारों मिथाइल हैं, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो 4 के लिए टेट्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा टेट्रा, जो है टेट्रा मिथाइल, क्या नाम बन जाएगा टेट्रा मिथाइल। और पैरेंट चेन ये वाली थी, पैरेंट चेन में कितनी कार्बन है, 4 कार्बन, तो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, क्या बन जाएगा टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा, कि 4 कार्बन, ये ब्यूटेन पैरेंट चेन को जाहिर कर रहा है कि 4 कार्बन वाली पैरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें दूसरी कार्बन के ऊपर, दूसरी कार्बन के ऊपर 2 जो हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ये 2 2 आपने 2 दफ़ा ये लिखा हुआ है, ये तो इसका मतलब कि दूसरी कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो 2 लगे हुए हैं, इस तरह तीसरी कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो भी 2 लगे हुए हैं, और सारे सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे हैं इसलिए टेट्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस तरह एक और एग्जांपल देखें यहाँ पे, अच्छा एक और कंपाउंड देखें वो हम लिखते हैं तो आपको इसके नेक्स्ट जो है रूल की भी समझ आ जाएगी, CH3 CH2 यहाँ पे आगे देखें, फिर CH यहाँ पे लगा लें आप, CH3 लगा लें, फिर इसी तरह देखें नेक्स्ट CH यहाँ पे आप लगा लें, क्या कहते हैं CH2 लगा लें, CH2 लगा लें, फिर CH3 लगा लें, इसी तरह यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 लगा लें, फिर ये CH यहाँ पे CH3 लगा लें, और ये हो गया CH3, ये आपके पास एक कंपाउंड है। इसमें देखें सबसे पहला जो काम आपका है वो लॉन्गेस्ट चेन है, कि लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी है। एक तो यही जो सामने पड़ी हुई है इसको गिने देना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाली ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी देखें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 कार्बन वाली है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कार्बन है, लेकिन जब आप ये सिलेक्ट करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें सिर्फ ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स होगा एक, और एक ये वाला होगा, हम ये सिलेक्ट नहीं कर सकते 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन अगर आप ये वाली सिलेक्ट करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 वाली, तो आपको एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, और 2 आपको यहाँ पे ये मिल रहा है। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आपको मिले, तो हम ये वाली चेन सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे या इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से लोअर नंबर गेन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ये देखें पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और ये कौन सी हो गई, 7वीं कार्बन। तो पैरेंट नेम क्या हो गया, हेप्टेन, 7 कार्बन जिसमें हो उसको हेप्टेन कहा जाता है। अगर आपके पास अल्केन है, 7 कार्बन वाली अल्केन को आप क्या नाम देते हैं, हेप्टेन का नाम देते हैं, तो ये आपके पास हेप्टेन आ गई। तो यहाँ पे
उसके बाद आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है वहाँ से जहाँ से लोअर नंबर गेन करें। अगली जो आपकी यानी कि इसमें है रूल वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने सब्स्टिट्यूएंट्स को पोजीशन देनी है, उसको नंबर देना है, पोजीशन उसकी आपने देखनी है। यहाँ से देखें मिथाइल दूसरी पोजीशन पे, फिर ये मिथाइल तीसरी पोजीशन पे, फिर ये देखें मिथाइल किस पोजीशन पे आ रहा है, पांचवी पोजीशन पे आ रहा है। तो तीन आपके पास यहाँ पे इस पूरी चेन के अंदर देखें आपके पास कितने मिथाइल आ गए, आपके पास तीन मिथाइल आ गए। तो तीन मिथाइल है और एक आपके पास ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, ये क्या है, ये आपके पास प्रोपाइल है, इसको एन प्रोपाइल कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ही चेन में लगी हुई तीन कार्बन है तो इसको आप एन प्रोपाइल कह सकते हैं। तो तीन यहाँ पे मिथाइल है और एक आपके पास क्या है, प्रोपाइल है। तो तीन मिथाइल तीन मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं, तो पहले आप उनकी पोजीशन यहाँ पे लिखें, कैसे लिखेंगे, एक तो ये दूसरी पोजीशन पे मिथाइल है, फिर यहाँ पे कोमा लगाएं, फिर किस पोजीशन पे है, तीसरी पे, फिर कोमा लगाएं, फिर किस पोजीशन पे है, पाँचवीं पे, फिर कोमा लगाएं। उसके बाद आपने यहाँ पे हाइफन लगाना है, फिर क्या लिखना है, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल से मुराद तीन मिथाइल ग्रुप है, और किस किस पोजीशन पे है, दूसरी पे, तीसरी पे, और आगे किस पोजीशन पे है, पांचवीं पोजीशन पे है। यहाँ पे फिर आपने हाइफन लगाना है, हाइफन लगाने के बाद आपने लिखना है फोर, चौथी पोजीशन पे आपके पास क्या है, प्रोपाइल है, यहाँ पे एन प्रोपाइल लिख लें, एन प्रोपाइल या सिंपल प्रोपाइल लिख लें, चले मैं ऐसे सिंपल प्रोपाइल लिख लेता हूँ, प्रोपाइल। उसके बाद आपने क्या लिख देना आगे, हेप्टेन, आगे क्या लिखना है आपने, हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन से मुराद यहाँ पे पैरेंट चेन है, हेप्टेन से मुराद क्या है यहाँ पे, पैरेंट चेन। तो टू थ्री फाइव दूसरी तीसरी और पांचवी पोजीशन पे ट्राई मिथाइल यानी कि तीन मिथाइल लगे हुए हैं, एक दूसरी पे, एक तीसरी पे, एक पांचवी पे, और चौथी पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये प्रोपाइल है, और ये है कौन सा, एन प्रोपाइल। तो आप एन प्रोपाइल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, फोर के बाद यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एन जो है प्रोपाइल, कि चौथी कार्बन पे एन जो है प्रोपाइल वहाँ पे लगा हुआ है, और ये है कौन सा, ये हेप्टेन है, ये पूरा जो लॉन्गेस्ट यहाँ पे चेन आपने सेलेक्ट की है वो कौन सी है, हेप्टेन की है। इसी तरह नेक्स्ट देखें एक और यहाँ पे कंपाउंड, देखिए यहाँ पे मेरे जहन में आ रहा है, उसको देखें CH3, यहाँ पे देखें CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, फिर देखें ये CH3, फिर ये CH, यहाँ पे CH3, और ये आगे फिर CH3। अब इसमें देखें यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, सबसे पहला काम वही लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करें, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, ये जो सामने पड़ी हुई 1 2 3 4 5 6 यही लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पे। तो इस लॉन्गेस्ट चेन में देखें आप इसको नंबरिंग दें, यहाँ से देंगे या यहाँ से देंगे, अब देखें इधर भी दूसरी पोजीशन पे है, इधर भी दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला मिथाइल ग्रुप इधर भी दूसरी पोजीशन पे है, अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2, इधर से आप स्टार्ट करते हैं 1 2, ये वाला मिथाइल ग्रुप ये भी दूसरी पोजीशन पे है। अब देखें यहाँ पे क्या करना है, अब जब दोनों तरफ दोनों किनारों पे सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही पोजीशन पे आ रहे हों तो आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा इसके बाद वाला सब्स्टिट्यूएंट्स लोअर नंबर गेन करे। जिस तरह ये 1 2 3 ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगा हुआ है, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स ये अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, इधर से स्टार्ट करें तो ये किस पोजीशन पे आएगा, चौथी पोजीशन पे आएगा, अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये चौथी पोजीशन पे आएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये किस पे आता है, तीसरी पोजीशन पे आता है। तो आपने अगर दोनों किनारों पे दोनों तरफ से अगर सब्स्टिट्यूएंट्स पहले सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे आ जाएं, इधर भी देखें ये दूसरी पोजीशन पे था, इधर भी दूसरी पोजीशन पे था, तो नेक्स्ट जो अगला सब्स्टिट्यूएंट्स पड़ा होगा आपने उसको देखना है कि वो किस किनारे से लोअर नंबर गेन कर रहा है, जिस किनारे से वो लोअर नंबर गेन करेगा आपने वहाँ से नंबरिंग इसकी स्टार्ट करनी है। तो आपने इधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से ये लोअर नंबर गेन करेगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर इसका नाम एक तो ये दूसरी पोजीशन पे, एक तीसरी पोजीशन पे, और एक कौन सी पोजीशन पे, पांचवी पोजीशन पे। तो मिथाइल है एक जैसे हैं, तीन है, तो इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ट्राई मिथाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, 2 3 5 ट्राई मिथाइल क्या हो गया, ये हेक्सेन हो गया, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन आ गया ये। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसका देखो नाम आपने ऐसे नहीं देना, आपने अब इसका नाम ऐसे नहीं कर देना कि 2 जो है 4 5 है ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये वाला नाम आपने इसका नहीं लिखना, ये वाला, ये उस वक्त बनेगा जब आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 के, एक दूसरी पोजीशन पे है,
फिर ये देखिए चौथी पे, ये पांचवी पे, ये रूल नहीं आपने अप्लाई करना, ये होगा ही नहीं ये वाला। आपने ये वाला नेम आपने इसका लिखना है जहाँ पे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लोअर नंबर यहाँ पे गेन कर रहा है। तो इसमें देखिए अगर आपके पास एक कार्बन वाला है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अगर एक कार्बन है एल्केन में तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं मीथेन का। अगर आपके पास एल्केन दो कार्बन वाला है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इथेन का नाम देते हैं। तो ये आपने याद करना है। अगर आपके पास तीन कार्बन है तो तीन कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, प्रोपेन। ये आपने याद करना है ताकि आपको नंबरिंग और ये नाम देने में क्या हो, आसानी हो। इसी तरह चार कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। पाँच कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। छः कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। सात कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, हेप्टेन कहा जाता है, हेप्टेन। पाँच या आगे आठ कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेन कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास नौ कार्बन है तो नौ कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, नोनेन कहते हैं, नोनेन। इसी तरह दस कार्बन अगर आपके पास है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिकेन, क्या कहते हैं उसको, डिकेन कहते हैं। इस तरह आगे चलता रहता है। अच्छा देखिए यहाँ पे अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से जो है वो समझ जो है वो आ जाए। अच्छा देखें, अब ये तो वो था कि आपको स्ट्रक्चर दिए गए थे, आपने नाम लिखने थे। अब कुछ ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, वहाँ पे आपको नाम दे दिए जाते हैं और आपने वहाँ पे स्ट्रक्चर लिखने होते हैं। जिस तरह देखें आपके पास है टू मिथाइल प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन। अब ये देखें कैसे करेंगे, टू मिथाइल प्रोपेन का नाम आप कैसे लिखेंगे। तो पैरेंट चेन देखें जो एंड पे आ रही है, प्रोपेन है, तीन कार्बन वाली है, तो आप ये तीन कार्बन यहाँ पे लगा लें पहले। उसके बाद आप इनको नंबरिंग दे दें जहाँ से मर्जी स्टार्ट करें, अब आपकी मर्जी, इधर से करें, इधर से करें, जैसे मर्जी, मैं इधर से कर रहा हूँ, एक दो तीन, ये नंबरिंग आपने दे दी। उसके बाद देखें यहाँ पे जो आपको नाम दिया गया टू मिथाइल, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल है तो ये दूसरी है, यहाँ पे मिथाइल लगा दें। बाकी जो यहाँ पे कार्बन के एटम बच गए हैं उसकी वैलेंसी आप पूरी करें हाइड्रोजन की, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के एटम लगा के ये तो आपके पास ये आ गया। इसको हम क्या कहेंगे, टू मिथाइल जो है प्रोपेन के दूसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और ये है क्या, ये प्रोपेन है, टू मिथाइल और क्या आ गया, ये प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह आगे देखें एक और है थ्री इथाइल पेंटेन, थ्री इथाइल पेंटेन। तो इसका कैसे लिखेंगे, थ्री इथाइल पेंटेन का, ये पेंटेन है तो पहले आप पांच कार्बन लिख लें, एक दो तीन चार पांच कार्बन लिख लें। तीसरी पोजीशन पे इथाइल है, जहाँ से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट करें, मैं इधर से कर लेता हूँ, अब एक दो तीन चार पाँच, तीसरी पोजीशन पे इथाइल है, ये तीसरी पोजीशन पे आपने इथाइल लगा दिया CH2CH3। उसके बाद जो आपके पास स्केलेटन आया कार्बन का, आपने उसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देनी है हाइड्रोजन लगा के, या आपने हाइड्रोजन लगा के कार्बन की वैलेंसी को क्या करें, सेटिस्फाइड करें। ये तो ये देखें ये आपके पास आ गया थ्री इथाइल पेंटेन। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है उसको फोर इथाइल थ्री फोर डाई मिथाइल हेप्टेन, या नाम लिखते हैं यहाँ पे फोर इथाइल, फोर इथाइल थ्री फोर डाई मिथाइल हेप्टेन। तो यहाँ पे देखें जो आपके पास पैरेंट चेन है वो क्या है जी, हेप्टेन है। हेप्टेन में सात कार्बन, तो पहले आप सात कार्बन यहाँ पे लिख लें, एक दो तीन चार पाँच छ सात। नेक्स्ट काम जो हमारा है वो क्या है, वो सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है। यहाँ पे सात कार्बन नंबरिंग स्टार्ट कर लें इधर से, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ताकि आसानी रहे। देखिए चौथी कार्बन पे क्या है, इथाइल, तो ये चौथी कार्बन यहाँ पे इथाइल CH2CH3। उसके बाद देखें यहाँ पे तीसरी और चौथी कार्बन पे मिथाइल, डाई मिथाइल है ना, तीसरी पे और चौथी पे, इधर से देखें पहली दूसरी तीसरी, एक यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो ये बाकी जो आपने यहाँ पे लगा देने हैं क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे दो आएंगे, यहाँ पे भी दो आएंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तीन आ जाएंगे। तो अब देखें ये नाम क्या हो गया, ये इधर से देखें स्टार्ट करें, वन टू थ्री, थ्री पोजीशन पे एक मिथाइल है, एक किस पोजीशन पे है, चौथी पोजीशन पे मिथाइल है, तीसरी और चौथी पोजीशन पे मिथाइल, दो मिथाइल इसलिए डाई मिथाइल,
और आगे देखें चौथी ही पोजीशन पे आपके पास क्या है, इथाइल है। तो ये देखें चौथी पोजीशन पे इथाइल, तो ये कंपाउंड बन गया 4-ethyl-3,4-dimethylheptane। इसी तरह देखें एक और यहाँ पे कंपाउंड हम यहाँ पे लिखते हैं, वो है हमारे पास 2,2,3,4-tetramethylpentane। आसान सा है, देखें 2,2,3,4-tetramethyl pentane। अब इसमें देखें क्या करेंगे, ये पेंटेन था ना, पेंटेन में कितनी कार्बन होती हैं, 5 कार्बन, तो ये 5 कार्बन यहाँ पे लगा दें। नंबरिंग स्टार्ट करें जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर दें, आपकी जहाँ से चॉइस, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्बन हो गई। उसके बाद पोजीशन लगाएं इसकी, यहाँ पे क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स लगाएं, 2-2 से मुराद दूसरी कार्बन पे 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप लगाओ, 2-2। उसके बाद तीसरी पोजीशन पे मिथाइल लगाओ, फिर उसके बाद चौथी पोजीशन पे मिथाइल लगाओ, 2-2-3-4, 2-2 यानी कि दूसरी पोजीशन पे 2 दफ़ा 3-4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। बाकी आप यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें, यहाँ पे क्या लगाएं, यहाँ पे हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगा दें, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है, उसको हम कहते हैं 4-isopropyl heptane। यहाँ पे लिखते हैं 4-isopropyl heptane। अब इसका देखें नाम कैसे लिखेंगे, 4-isopropyl heptane, हेप्टेन था 7 कार्बन, तो लिख दें 7 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। उसके बाद देखें यहाँ पे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखें 4 पोजीशन पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चौथी पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल यहाँ पे लगाएं, CH CH3, ये CH3, ये हेप्टेन चौथी पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें हाइड्रोजन लगा के, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये 4 जो है आइसोप्रोपाइल हेप्टेन आपके पास आ गया, ये कंपाउंड 4-isopropyl जो है आइसोप्रोपाइल हेप्टेन आपके पास आ गया।